हाउ आर यू बेटा, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बच्चे घर पे बहुत ही अच्छे तरीके से हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं। तो एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। ठीक है, आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन जिस डिजिट के नीचे अंडरलाइन हो। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन 10791, 9 के नीचे अंडरलाइन है, तो आप सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड डिजिट की अब एबव लिख लीजिएगा। ठीक है, जिससे डाउट्स नहीं होते हैं और मिस्टेक नहीं होते हैं। ओके, देखिए लिख लिया। चलिए, नाइन की प्लेस वैल्यू क्या है? आप देख रहे हैं नाइन के एबव लिखा है टी, टी फॉर टेंस। ठीक है, इट मीन्स नाइन टेंस। क्लियर हो गया? अब इसे लिखेंगे कैसे? द प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन, नाइन की प्लेस वैल्यू क्या है? नाइन टेंस, टेंस इट मीन्स 10, यानी कि 90, 9 10 90। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 23076, अंडरलाइन कहाँ पर है? 3 के ऊपर। ठीक है, आप सबसे पहले वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड लिख लिए। क्लियर? नाउ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3000, लाइक 3000, थाउजेंड में कितने जीरो होते हैं? 30। क्लियर हो गए स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। सो ग्रेड 4 आपने थर्ड में भी पढ़ा है कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, चलिए निकालते हैं इनका। 43217, ईच डिजिट यानी सबकी प्लेस वैल्यू बतानी है कि, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड। क्लियर है? चलिए, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 वंस इट मीन 7, 1 टेंस इट मीन्स 10, 200, 200 को आप इस तरह लिखते हैं, 3000 एंड 4, 10000 यानी 40000। क्लियर? ये सभी डिजिट के क्या निकल गए? प्लेस वैल्यू। ओके,